सुबह 5 बजे रोहित के फोन की घंटी बजी। नींद भरी आंखों को मलते हुए उसने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ देखा। पापा का कॉल आ रहा था। हेलो पापा, गुड मॉर्निंग। हेलो बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ पापा, इतनी सुबह कॉल अभी तो मैं उठा भी नहीं। सॉरी बेटा, अभी कहाँ हो तुम? अब पापा, आप जिस हॉस्टल में छोड़ के गए उसी में होऊंगा ना। सॉरी बेटा, सुनो, तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है कल से थोड़ी। तुम घर आ सकते होगी? ओ, क्या हुआ मम्मी को? कुछ नहीं बेटा, तुम बस घर आ जाओ। रोहित की जिंदगी का सबसे बुरा दिन था वो दिन। सबकी जिंदगी में आता है, जितना लेट आए उतना अच्छा। समडे वी विल लूज आवर मदर, आवर फादर, आवर भैया, दीदी, अंकल, एवरीवन। रोहित को पता भी नहीं था, या कह लो कि उसको कभी पता ही नहीं पड़ने दिया कि उसकी माँ को कैंसर था। और इलाज इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मम्मी पापा ने उसकी पढ़ाई के लिए खुद की जिंदगी से इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया। रोहित सॉरी भी नहीं बोल पाया क्योंकि वो अगर मन लगाकर पढ़ता तो एक नॉर्मल स्कूल में भी अच्छे मार्क्स ला सकता था। लेकिन उसके पापा ने ये सोचकर कि कमी उसमें नहीं बल्कि कमी शायद स्कूल में होगी, उसका एडमिशन बहुत महंगी स्कूल में करवा दिया और तब से सारे पैसे उधर ही खर्च हो रहे हैं। अगर रोहित चाहता तो एक नॉर्मल स्कूल में भी बहुत मन लगा करके पढ़ सकता था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बच्चे एक नॉर्मल स्कूल में भी रह के बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं। महंगी स्कूल मैटर नहीं करती, पढ़ने वाला मैटर करता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मुझे ये बताओ, आपका काम क्या है? क्यों आप घर से दूर जाते हो पढ़ने के लिए? क्यों आपको वहां भेजा जाता है? क्यों आपकी किसी पैसे वाली डिमांड पर कोई क्वेश्चन नहीं करते घर वाले? क्यों आपसे आज बहुत सारे सवाल पूछने हैं मुझे? क्यों आपको पढ़ाई का मतलब तब तक रियलाइज नहीं होता जब तक आपके पापा ये नहीं बोल देते कि बेटा अब तू कहीं छोटा मोटा काम भी देख ले पढ़ाई के साथ साथ, कुछ सीख तो जाएगा। इस बात का मीनिंग समझो। इसका मतलब है आपके पेरेंट्स का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट लॉस में चला गया। आएगा वो दिन जरूर, आज नहीं तो 1 साल 2 साल, मैक्सिमम 8-10 साल। वो दिन जरूर आएगा जब आपको बोला जाएगा कि बेटा अब कुछ काम सीख लो, बहुत हो गई पढ़ाई। कभी रीजन जाना है उसका? आज के टाइम में स्टूडेंट, माफ करना अगर मेरी बात से आप अगर सहमत नहीं हो, बट एक बार पूछना किसी भी पेरेंट्स के दिल में झांक करके देखना कि आज के टाइम में एक पढ़ने वाला बच्चा पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी है। जब तक उसकी पढ़ाई पूरी होके वो पैसे नहीं कमाने लग जाता, आप समझ गए होंगे जिनको लायबिलिटी का मतलब पता है, सिंपल वर्ड्स में जो खर्चे करवाता है। पहले कोई इंसान 25 साल मेहनत करके खुद के पैरों पे खड़ा होता है और अगले 20 साल वो अपने बच्चों के लिए जीता है। और जब आपके पेरेंट्स 45 के हो जाएंगे या अभी हो चुके होंगे, और तब उनको पता लगता है कि आपका तो पढ़ने का मन ही नहीं करता, कुछ करने का मन ही नहीं करता, कुछ जोश ही नहीं आपके मन में, तो उनको कितना बुरा लगेगा, कितना भारी दिल होगा उस दिन आपका और आपके घर वालों का जब घर की फाइनेंशियल सिचुएशन पूरी तरह से खराब हो चुकी होगी और आपके पास मोबाइल के नोटिफिकेशन की जगह रियल लाइफ वाला नोटिफिकेशन आएगा कि इनसफिशिएंट नॉलेज, सर्च फॉर जॉब्स। सवाल पूछने हैं मुझे आज आपसे, आपने कितनी बार देखा अपने पेरेंट्स को उनके खुद के लिए शॉपिंग करने जाते हुए? आपने कितनी बार पूछा है आज तक अपनी मम्मी से कि मम्मी आपका कभी घर से बाहर जाने का, घूमने फिरने का मन नहीं करता? पूछना भी मत मेरे दोस्त, दुख होगा उनको, वो भी फंस चुके हैं, वो अब सोचना भी नहीं चाहते इन सब के बारे में। आप पूछोगे तो वो उसके बारे में सोचेंगे जो वो करना तो चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और ना ही उसके बारे में सोचना चाहते हैं। इसलिए मत पूछना उनकी ख्वाहिशों के बारे में, उनको हर्ट होगा। अगर आज आप कुछ कर सकते हो ना तो डायरेक्टली उनको सरप्राइज दो कि जब आपकी मम्मी सुबह उठे तो आपके कमरे की लाइट जली हुई देख के बोले कि अरे वाह, मेरा बेटा आज तो जल्दी उठ गया। वो दिन कितना खास होगा यार, ये खुशी तो दे ही सकते हो ना। सुबह जल्दी उठो और आपकी जिन किताबों की धूल उतार उतार के आपकी मम्मी थक चुकी है उन किताबों को उठाओ। ये एक रियल मोटिवेशन है जो आपके अंदर होना चाहिए। जब मैं आपको बोलता हूँ कि आप देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो, तो आपके मन में आता होगा कि यार मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कैसे नाम कर सकता हूँ दुनिया में देश का? मेरे भाई, अगर तुम एक युवा हो तो इस देश का भविष्य बदल सकते हो। हमारे देश में इतने युवा हैं कि पूरी दुनिया को कुछ सालों में पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट ही देश का भविष्य होता है। और वो देश के भविष्य कैसे बनते हैं? जब वो अपना काम मन लगा के करते हैं। आप चाहे कुछ भी करना पढ़ाई के बाद, जो आप ज्ञान हासिल करो किताबों से, इंटरनेट से, आप ये देखो कि मेरा इंटरेस्ट किस में है, और फिर जो भी काम पकड़ो उसको मन लगा के करो, देश जरूर ऊपर चला जाएगा। जब हर नागरिक अपना अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाएगा, जब हर जगह शिक्षित युवा जो आप जैसे स्टूडेंट है वो ही हर जगह कल को जाके काम करेंगे, कोई नौकरी करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई कंपनी खोलेगा, कोई आविष्कार करेगा, तो आप क्यों नहीं कर सकते दुनिया में देश का नाम? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या कमी है आप में, या आज तक किस चीज की कमी आई आपको? और अगर आई भी है तो उसके कारण का समाधान भी आप ही कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए पढ़ाई से ज्यादा जरूरी आज की तारीख में
ज्ञान हासिल करने से ज्यादा जरूरी आज की तारीख में, और मन लगाकर पढ़ने से ज्यादा जरूरी आज की तारीख में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। जो आज पढ़ाई से जी चुराएगा ना, वो आगे जाकर हर काम में कमियां निकालेगा। ये किताबें सरस्वती माँ है, और माँ नहीं मानते हो तो इनको एक अच्छा दोस्त मानो। किताबों से अच्छा दोस्त कोई नहीं होता, जो हमेशा ज्ञान सिर्फ देती रहती है। आप चाहे एक साल के लिए रख दो इनको धूल खाने के लिए, फिर वापस आकर के पढ़ लेना, कभी कुछ नहीं बोलेगी, जहां रखोगे वहीं पे पड़ी रह जाएगी। और क्या मोटिवेट करेगा आपको, आपके पेरेंट्स खुद आपसे मोटिवेट रहते हैं कि जब आप बड़े होगे तो कुछ काम करके नाम करोगे। और क्या मुश्किल होगा आपके लिए जब आपके घर वाले आपकी हर जरूरत के लिए मुश्किल से मुश्किल काम करके, मेहनत करके पैसे कमाते हैं। मानता हूँ नींद आती है पढ़ते हो तो, ऐसे तो सैटेलाइट भी स्पेस में नहीं जा पाएगा, उसको भी फोर्सफुली भेजना पड़ता है रॉकेट में बिठा के। लेकिन ग्रेविटी से निकलने के बाद उसको फिर और कोई फोर्स नहीं चाहिए, दैट बिकम्स इंडिपेंडेंट एंड कीप्स रिवॉल्विंग फॉरएवर। आपको भी जरूरत है एक ऐसे रॉकेट वाले फोर्स की, जो आपकी पढ़ाई को सक्सेसफुली कंप्लीट करवा के आपको जिंदगी में, दुनिया में इंडिपेंडेंट बना के छोड़े, सो दैट यू कैन शाइन फॉरएवर, ताकि आप कुछ ऐसा कर सको जिसकी छाप कभी ना मिटे। कोई गरीब बच्चा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसके माँ बाप सड़क पे बैठते हैं, उसके नसीब में नहीं होता आपकी तरह ऐसे नए कपड़े पहनना, ऐसे मोबाइल चलाना, पर फिर भी वो खुश रहता है। आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ विचारों में है कि पढ़ने में मन नहीं लगता, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, नींद आ रही है। ऑल प्रॉब्लम्स आर इन योर माइंड ओनली। जो जैसा है इस दुनिया में वो वैसा ही रहेगा। अब आप चाहे तो उसको प्रॉब्लम समझो, या एक चैलेंज समझो, या फिर मजा समझो। इस दुनिया में वो बंदा सबसे ज्यादा गरीब है जिसके विचार अमीर नहीं है। और अमीर विचार एज ए स्टूडेंट क्या होते हैं, कैसी भी सिचुएशन हो मैं पढ़ सकता हूँ, कोई कुछ भी बोले मैं पढ़ सकता हूँ, कोई कितना भी टोके मैं अपना ड्रीम जॉब या ड्रीम वर्क कर सकता हूँ, अपने पैर पे खड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं अच्छा पढ़ सकता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ने का रीजन पता है। मैं पढ़ सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। मैं पढ़ सकता हूँ क्योंकि एक विद्यार्थी होने के नाते यही मेरा धर्म है, कर्म है, सब कुछ है। अगर आप पढ़ने के इच्छुक नहीं है, नॉलेज गेन करने के इच्छुक नहीं है, तो आपकी हेल्प करने का इच्छुक भी कोई नहीं होगा फ्यूचर में। और अगर आज आप अपने आप को पढ़ने से, नॉलेज हासिल करने से नहीं रोकते, तो इस दुनिया में फिर आपको कोई नहीं रोकने वाला। आप किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप केवल अपने लिए पढ़ रहे हो। आपको आगे बढ़ाने वाला और रोकने वाला आपके अलावा और कोई नहीं है, कोई भी नहीं है माई का लाल इस दुनिया में जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे, अगर आप अपनी जगह सही और अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो तो। अपनी पढ़ाई मन लगा के करो। अगर आज आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है ना, या जैसे मान लो आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो एक बार गूगल करके देखना, ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स डज एन एरोप्लेन फ्लाइज हाई इन द स्काई। एक हवाई जहाज हवा में तभी उठ पाता है जब उसके सामने से हवा टकराती है। तो अगर आज ऐसी कोई मुसीबतें हैं जो आपका पढ़ाई से ध्यान खींचती है, तो समझो कि वो सिर्फ मुझे और ऊपर उठाने के लिए मेरे रास्ते में आई है। मुझे पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ना, नहीं तो मेरी जिंदगी की फ्लाइट क्रैश हो जाएगी। आपने इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ डाली, समझ डाली, ये वीडियो तो बहुत छोटा है, तो आपको ये वीडियो तो समझ में आ ही गया होगा। इस वीडियो को देखने वाले कितने लोग हैं जो 10 साल, 12 साल या 15 साल से पढ़ाई करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते? और सफल क्यों नहीं हो पाते? सारी दुनिया को तेरी सांसों में।
जुर्म है प्यारे, जुल्मों को सहना भी एक जुर्म है प्यारे, जुल्मों को सहना भी, आवाज उठाओ लाजिम है लड़ना भी, बुज़दिल इंसान को जिंदा नहीं कहते, बुज़दिल इंसान को जिंदा नहीं कहते, पत्थर बनाता है खामोश रहना भी, जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवार।